गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। बाकी सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। इसमें डाटा गिवन दिया हुआ है 400 नियॉन लैंप्स का लाइफ टाइम इन आवर्स। 300 टू 400 नंबर ऑफ लैंप्स है 14, 400 टू 500 नंबर ऑफ लैंप्स है 56, 500 टू 600 नंबर ऑफ लैंप्स है 60, 600 टू 700 नंबर ऑफ लैंप्स है 86, 700 टू 800 नंबर ऑफ लैंप्स 74, 800 टू 900 नंबर ऑफ लैंप्स 62 एंड 900 टू 1000 नंबर ऑफ लैंप्स 48। तो फर्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। हमें गिवन इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। एंड सेकेंड पार्ट है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। और कितने लैम्प ऐसे हैं जो 700 आवर्स से ज़्यादा उनकी लाइफ टाइम है। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हम लोग को बोला गया था इस क्वेश्चन में कि हिस्टोग्राम बनाना है। ओके, तो हिस्टोग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो हमें गिवन डाटा प्रोवाइड था वो हम लोग ले लेंगे। ये क्या आपका नंबर ऑफ लैंप्स 14, 56, 10, 86, 74, 62 और 48। तो मैंने 10 का रेंज में मैंने लिया है। ओके, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 0 से 10 में, तो सब में 10 का डिफरेंस चल रहा है, राइट। इधर जो हमारा गिवन है वो है 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। अब देखिए, 0 से डायरेक्ट 300 पे गया है, तो आपको ये सिंबल बनाना कंपलसरी है, ठीक है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एग्जाम के टाइम, ठीक है। ये सिंबल हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 से 300 का गैप हो रहा है, 300 का डायरेक्ट गैप हो रहा है, बाकी में देखो 100 का गैप चल रहा है, इसलिए साइन कंपलसरी होता है। ओके, अब देखो हिस्टोग्राम्स में क्या होता है, इसमें बोल दिया गया है 14, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने देखा 14 कहाँ पे, 10 के ऊपर 14 होगा, तो यहाँ से हमने 14 ले लिया। फिर 56, फिर 80, 86, 74, 62 एंड 48, ठीक है। ये आपका हिस्टोग्राम ड्रो हो चुका है। अब देखिए, इसके अलावा इसमें और बोला है सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। आपको 700 आवर्स से ज़्यादा बताना है कितने लैंप्स जो हैं वो न्यून लैंप यूज किए गए हैं, ठीक है, या कितने न्यून लैंप्स थे। तो देखिए 700 आवर्स कहाँ पे, यहाँ पे इससे ज़्यादा बोला है मोर देन, तो मोर देन में क्या आ जाएगा, ये तीनों वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 700 आवर्स तक तो यहाँ तक 86 है। इसने बोला है क्वेश्चन में 700 से ज़्यादा, तो 74, 62 एंड 48, ठीक है, तीनों को आप ऐड कर दीजिए, 184 आ जाएगा। आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर 184 न्यून लैंप्स हैव देयर लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन में इतना ही बोला गया था। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेंड बाय देम। इसमें क्या कह रहा है कि टेबल गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शंस, मतलब टू सेक्शंस में स्टूडेंट को बांटा गया है अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑब्टेंड, मतलब जिसके जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से बांटा गया है। तो टेबल हमारा दिया हुआ है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के मार्क्स है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 9, 17, 12 एंड 9। सेक्शंस बी का मार्क्स है 0 से 10, 5 फ्रीक्वेंसी, 10 टू 20, 19 फ्रीक्वेंसी, 20 टू 30, 15 फ्रीक्वेंसी, 30 टू 40, 10 फ्रीक्वेंसी एंड 40 टू 50 से 1 फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें बोला जा रहा है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाई टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो मार्क्स रिप्रेजेंट है स्टूडेंट ऑफ बोथ सेक्शन, दोनों सेक्शन का, वो सेम ग्राफ पे, मतलब एक ही ग्राफ पे हमें टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, मतलब दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने हैं। फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस, और दो पॉलीगन का कंपेयर करना है परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शंस, जो टू सेक्शंस में परफॉर्मेंस
किए हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाना है सेम ग्राफ पे. ठीक है, डाटा गिवन है. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्लास मार्क निकालना होता है. क्लास मार्क से फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2. ठीक है, ये फार्मूला होता है जो ऊपर मैं मेंशन कर दी हूँ. अब देखिए, ये इसमें आपका होता है लोअर लिमिट और ये होता है आपका अपर लिमिट. तो 10 + 0 / 2, 10 / 2 कितना आ जाएगा, 5. ओके, 5 आ चुका है. अब देखिए 10 और 20, तो 20 + 10/2 कितना हो जाएगा, 20 + 10/2 30/2 15. ठीक है, अब ये चीज़ देखो कि इसमें ना हमेशा सीरीज चलता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी नहीं है सबका निकाल के चेक करना, आप निकाल लो अच्छी बात है. अब देखो 5 15 में 10 का डिफरेंस आ रहा है, 15 और 10 25, 25 10 35, 35 10 45. आप चेक भी करके अगर किसी का भी निकालोगे, देखो 40 और 50 है ना, तो 50 + 40 कितना होता है, 90 होता है ना, 90/2 45 आ चुका है ना. तो इस तरह से ये चलता है, सीरीज में ही चलता है हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आगे पीछे आया आंसर. ठीक है, ये 10, 20, 30 मतलब एक गैप जो होता है वो गैप के साथ ही चलता है. ओके, इसके फ्रीक्वेंसी जो गिवन है 0 से 10 का 3, 10 to 20 9, 20 to 30 17, ओके, और 30 to 40 12, 40 to 50 9. ये आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है. सेक्शन बी का भी हमें मार्क्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है, हम उसे क्लास मार्क्स निकाल के चेक कर लेंगे. फॉर्मूला आपका सेम यूज होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, 10 + 0/2 5, 20 + 10/2 15, 30 + 20 50, 50/2 25, 40 + 30 70, 70/2 35, 50 + 40/2 50 + 40 कितना होगा, 90 को 2 से डिवाइड देंगे तो 45. दोनों का क्लास मार्क्स सेम आया है. ठीक है, क्योंकि हमें सेम ग्राफ पे बनाने हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो अब हम लोग इसका क्या बनाने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ओके ओके, तो इसमें हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है. ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास मार्क्स हम लोगों ने निकाल लिया था और फ्रीक्वेंसी हमें पता है. तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन निकालते हैं ना, वो क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के हिसाब से निकालते हैं. ओके, तो जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन था 5 और 3 सेक्शन ए में. ठीक है, तो देखिए 5 यहाँ पे आ गया आपका और जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है. ठीक है, 3 यहाँ पे लेंगे, 5 नीचे का लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो वैल्यू है 15 और 9. देखो 15 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, और 9 यहाँ पे. ठीक है, तो 15 और 9 हो गया. फिर नेक्स्ट जो है वो 25 और 17 है, तो 25 की वैल्यू यहाँ पे, 17 आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा. ठीक है, 17 की वैल्यू आपका यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये रहा 17. ठीक है, नेक्स्ट है आपके 35 और 12, ये वैल्यू रहा आपका. नेक्स्ट है आपका 35 to 12, ये हो गया 45 to 9. अब आप इसे क्या करोगे, ड्रॉ कर दोगे. देखो यहाँ पे पॉइंट्स आया था, ये सारे पॉइंट्स को आपको मिलाते चले जाना है और यहाँ पे आपका लास्ट रहा, तो आप इसे थोड़ी सी आप लाइन को आप आगे की ओर ले जा सकते हो. आप इधर से वही चीज़ करना चाहो तो, कंपलसरी नहीं है. ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी लाइन को आप आगे की ओर कर सकते हो. ठीक है, इसमें एक और वैल्यू हमें गिवन है सेक्शन बी का. क्लास मार्क्स दोनों के सेम आए थे, फ्रीक्वेंसी में थोड़ी डिफरेंट है. सबसे पहले 5 से 5, तो 5 से 5 यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया. फिर 15 to 19 यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट है आपको 25 to 15. ठीक है, ये रहा, ये वाले डॉट्स हैं आपके. 35 to 10. ओके, एंड 45 to 1. अब इसे क्या करो कि एक को तो हमने लाइनिंग से किया है, तो एक को डॉटेड से आप ड्रॉ करोगे. ठीक है, इसे आप लिख दोगे सेक्शन ए और इसे सेक्शन बी. अब इसने ये भी पूछा है लास्ट में कि फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शंस, कंपेयर करना है परफॉर्मेंस के भी हाफ पे. तो देखो किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सेक्शन बी की अच्छी है ना. ठीक है, सेक्शन ए के अकॉर्डिंग ग्राफ जो बन रहे सेक्शन बी का ऊपर की ओर बन रहे हैं, तो क्या लिख दोगे, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए इज बेटर देन द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी इन टर्म्स ऑफ गुड मार्क्स. ओके, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है कि द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए का ये परफॉर्मेंस रहा. ठीक है, इज बेटर देन द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन बी से क्या है परफॉर्मेंस सेक्शन ए के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर है. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है. अब आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं. द रन स्कोर्ड बाई टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट
60 balls in a cricket match are given below. Run score two team. दो टीम का रन स्कोर टीम ए और टीम बी. फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच. जो क्रिकेट मैच हुआ है वो कितने का हुआ? 60 बॉल्स. और डाटा जो है नीचे गिवन है, ठीक है. 1 to 6 बॉल्स में टीम ए का 2 है, 7 to 12 1, 13 to 18 8, 19 to 24 9, 25 to 30 4, 31 to 36 5, 37 to 42 6, 43 to 48 10, 49 to 54 6 and 55 to 62 Team B का जो है वो है आपका number of balls 1 to 6 में 5, 7 to 12 6, 13 to 18 2, 19 to 24 10, 25 to 35 31 to 36 6, 37 to 42 3, 43 to 48 4 and 49 to 54 8, 55 to 60, 10. ओके, हमें बोला गया है रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स. इसमें भी हमें मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स ही बनाना है, सेम ग्राफ पे, एक ही ग्राफ पे बनाने. ओके, तो चलिए सॉल्यूशन इसका हम लोग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को डाटा प्रोवाइड कराया गया है और बोला गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्लास मार्क्स निकालना होता है. ओके, और क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2. ओके, अब देखिए यहाँ पे 0.5 और 6.5 मैंने क्यों किया. जो आपका डाटा प्रोवाइड था वो था इस तरह से. मैं रफली आप लोगों को बताती हूँ. देखो जो वैल्यू था ना, यहाँ पे बना रही हूँ रफली, ठीक है, समझाने के लिए. देखो यहाँ पे था 1 से 6, 7 से 12, 13 टू 18, 19 टू 24. इतने में समझ आ जाएगा. देखिए जब भी हमें जो नंबर ऑफ बॉल्स का जो वैल्यू दिया हो वो, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए. बट इसमें देखो सेम नहीं है. 6 से 7 है, 12 से 13 है, 18 से 19 है, अलग अलग वैल्यू है. सब में सेम होते हैं, इसमें सेम नहीं है. तो उसके लिए क्या रूल्स होता है कि यहाँ पे जो 1 है इसमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. मतलब 1 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो 1/2 किया जाता है. 1/2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5. तो फर्स्ट में जो वैल्यू था 1, उसमें 0.5 को माइनस करेंगे और जो इधर 6 वैल्यू थी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है. ये रूल्स होता है जब भी सेम ना दिया हो. तो आप लोग को हमेशा इसी रूल्स को फॉलो करना होता है. अब देखिए यहाँ पे 7 था तो उसमें हमने 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 6.5. और इधर हमें प्लस करना था तो 12.5 हो गया बिकॉज हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये आपका 18.5. ओके, यहाँ पे 18.5 हो जाएगा क्योंकि 19 था तो 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो 18.5, 24.5. इधर माइनस करते हैं 0.5 और इधर 0.5 को प्लस करते हैं. ओके, यहाँ पे 24.5 और 30.5. ये होगा 30.5, 36.5, 36.5, 42.5, 42.5, 48.5, 48.5, 54.5, 54.5, 60.5. अब आप देखो सारा सेम आपको नज़र आ रहा होगा. हमें सेम करने के लिए 0.5 से माइनस करते हैं और 0.5 ऐड करते हैं. ये कंपलसरी होता है अगर आपको क्लास मार्क्स निकालना है. और ये दोनों हमेशा हमेशा सेम होना चाहिए आपके, ठीक है. चलिए अब क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है. इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आपका आएगा 3.5. इनको भी ऐड करेंगे, डिवाइड देंगे 2 से तो 9.5. इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड देंगे 2 से तो 15.5. इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड देंगे 2 से तो 21.5. इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड देंगे 2 से तो 27.5. इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड देंगे तो 33.5. इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड देंगे तो 39.5 आएगा. ओके, आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं, डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है. फिर इन दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइड कीजिएगा तो 45.5. 48.5 प्लस 54.5 अपॉन में 2 कितने आ जाएंगे? 51.5. 54.5 और 60.5 को डिवाइड देंगे 2 से तो 57.5. ओके, टीम ए और टीम बी की वैल्यू दिया हुआ है. तो अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने हैं. ओके, तो चलिए अब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने वाले हैं. ओके, तो अब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने वाले हैं, ठीक है. देखिए इसके लिए हम लोग वैल्यू ले लेंगे इधर रन ऑफ स्कोर और ये आपका रहा क्लास मार्क्स जो हम लोगों ने निकाला था. जो वैल्यू क्लास मार्क्स ने हम लोगों ने निकाला था वो नीचे आपको लिखना है, ठीक है. और ये आपका रहा रन स्कोर टीम ए एंड टीम बी, ठीक है. एक ही ग्राफ आपको यूज़ करना है और आपको दोनों वैल्यू को रखते हुए ड्रॉ करने हैं, ठीक है.
चलिए देखिए, फर्स्ट टीम ए का है स्कोर 2, तो 2 आपकी कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, फिर है 1, फिर 8, फिर 9, फिर 4, 5, 6, 10, फिर है आपका 6 एंड 2, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से आप मिलाना है लाइन को, आपको सारे लाइन को ड्रॉ करने हैं, ठीक है। आप सारे लाइन को इस तरह से पॉइंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दोगे, और इधर की लाइन आप चाहो तो इधर खींच सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से भी रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ को भी मैंने वही किया था, यहाँ तक आ चुका था ग्राफ, तो मैंने थोड़े आगे की ओर ड्रॉ कर दिया। अब टीम बी की बात करें तो आपका था जो इसका था 3.5 प्लस मार्क्स पे जो, और ये देखिए ये साइन हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ का गैप डायरेक्ट 3.5 का था, ठीक है, और इधर का सारे का जो गैप है वो 6.6 का गैप चल रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है, इसके लिए आपको ये साइन का यूज करना होता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान देंगे। टीम बी का स्कोर है 5 आपका यहाँ जाएगा, 6, 2, 10, 5, 6, 3, 4, 8, एक मिनट, यहाँ के बाद आपका जो स्कोर जाएगा उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, और फिर फाइनली आप इस लाइन से मिलाएंगे, ठीक है, 8 एंड 10, ठीक है। तो देखिए मैंने टीम ए को लिख दिया कि मैंने डार्क लाइन से हमने टीम ए बनाया था, और हमने जो हमने डॉटेड लाइन से हमने बनाया टीम बी को बनाया, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम्स में ग्राफ में मेंशन भी कर देना कि टीम ए कौन सा है, टीम बी कौन सा है, टीचर को प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी जो बोला गया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन 8। अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन द पार्क वॉज फाउंड एज फॉलो। एक रैंडम सर्वे किया गया नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन द पार्क, मतलब कि जो पार्क में बच्चे खेलने के लिए आते हैं उनका मतलब सर्वे किया गया, रैंडम सर्वे किया गया, ठीक है। तो नीचे दिया गया है कि 1 से 2 एज के जो बच्चे हैं वो 5 बच्चे खेलने आते हैं, 2 से 3, 3 टू 5 जो एज के बच्चे हैं वो 6 बच्चे खेलने आते हैं, 5 टू 6 ईयर्स के बच्चे जो हैं वो 12 बच्चे खेलने आते हैं, 7 टू 10 ईयर्स के बच्चे जो हैं उनकी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है 9, 10 टू 15, 10 एंड 15 टू 17, 4। तो ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव, तो हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने हैं, ओके। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर एट में हम लोगों को बोला गया है, डाटा गिवन प्रोवाइड किया गया और बोला गया हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए। हिस्टोग्राम के लिए डियर स्टूडेंट हम लोगों को एज दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, हमें इसमें दो चीज़ें और निकालना है, विद ऑफ द क्लास और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को एडजस्ट फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, और एडजस्ट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन विथ इंटू लोएस्ट विथ, ठीक है। देखिए एज क्या है, 1 से 2, फ्रीक्वेंसी 5 है, 2 से 3 फ्रीक्वेंसी 3 गिवन है, ओके, 3 टू 5 फ्रीक्वेंसी 6, 5 टू 7 फ्रीक्वेंसी 12 गिवन है, 7 टू 10 ईयर्स के बच्चों का फ्रीक्वेंसी 9 है, 10 टू 15 10 एंड 15 टू 17 4, ओके। विद देखिए विद कैसे निकालते हैं, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 7 3, ओके, 15 माइनस 10 5, 17 माइनस 15 2, ठीक है। तो विद का क्या होता है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ओके। आपको माइनस करना है दोनों वैल्यू से, आपका आ जाएगा विद ऑफ द क्लास। अब देखिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, फ्रीक्वेंसी अपॉन विद इनटू लोएस्ट विद। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास है, 5 है ना, लोएस्ट लिमिट क्या है, लोएस्ट विद 1 है, देखो सबसे छोटा कौन सा है ये देख लेना आप, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 1 है ना, इसलिए इंटू 1, विद कितना है 1, तो 5 इंटू 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट में देखिए फ्रीक्वेंसी कितना है, 3, लोएस्ट 1 है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है क्योंकि, तो 3 इंटू 1 और विद कितना दिया हुआ, विद ऑफ द क्लास 1, तो 1, ओके, आंसर 3। नेक्स्ट में देखिए फ्रीक्वेंसी 6 गिवन है, 6 और लोएस्ट हमारे पास 1 है, इंटू 1
और इसका विद ऑफ द क्लास कितना है, 2/2, 2 × 3 = 6, आंसर 3, ठीक है। नेक्स्ट का देखिए, आपका जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 12 है, और आपका लोएस्ट कितना है, लोएस्ट विद 1, और विथ कितना है इसका 12 का, 2, तो अपॉन विद 2, 2 × 6 = 12, आंसर आपका 6 आ चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट का, फ्रीक्वेंसी 9 है, तो 9 लोएस्ट हमारे पास कितना है, 1 अपॉन विद 3, 3 × 3 = 9, ठीक है, डन। इसमें देखिए 10 और लोएस्ट 1, और अपॉन में इसका विद ऑफ द क्लास 5 गिवन है, तो 5 × 2 = 10, ओके, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, फ्रीक्वेंसी 4 × 1 अपॉन में 2 विद ऑफ द क्लास 2, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग इस पर क्या करने वाले, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने वाले, तो चलिए अब हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का अब हम लोग बनाने वाले हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। देखिए इसके लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी डाटा रेडी कर लिया है। तो इसमें जो हमारे पास जो वैल्यू था, एज चाइल्ड का जो एज था 1 से 2 ईयर्स, इधर हम लोगों ने नीचे लिख दिया 1 से 20 तक, ठीक है। और ये आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो प्ले में जो पार्क में खेलते थे बच्चों, ठीक है। तो 1 से 2 ईयर्स के बच्चे कितने हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी जो हमारी फ्रिक्वेंसी आई थी वो आई थी 5। तो देखिए 1 से 2 ईयर्स यानी 1 से 2 ईयर्स के बीच 5, तो यहाँ तक जा रहा 5 यहाँ पे, तो यहाँ तक आप बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2 से 3 ईयर्स, 2 से 3, ये दोनों को कवर करना, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 ईयर्स की बात की गई है ना, तो 2 से 3 तक आपको ड्रॉ करना है। 2 से 3 का जो फ्रीक्वेंसी आया था वो 3 था, तो देखो 3 यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, तो 3, ठीक है, यहाँ पे फिर आप लोग 3 पे लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3 to 5 में 3 है, 3 to 5, देखो 3 से 5 के बीच आपको कवर करना है, ये नहीं कि आप 4 तक कवर कर देना, ओके, 3 से 5 की बात की है तो 3 से 5 तक कवर करोगे, तो 3 से 5 तक का भी 3 था, ठीक है, ओके। 5 to 7 के बीच जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, 5 से 7, ओके, 5 से 7 की बात किया गया है, तो 5 से 7 के बीच 6 है, तो 6 तक आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 7 to 10, 7 से 10 तक कवर करने 3, ठीक है, और 10 to 15 2, 10 to 15 यानी 10 से लेके 15 तक कितना है 3, तो यहाँ तक आप ड्रॉ करोगे, ओके, एंड 15 to 17 2, ये आपका कंप्लीट हो चुका है हिस्टोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, आई होप समझ आ गए हो। बस यहाँ पे एज का आपको एज ग्रुप का ध्यान रखना है कि 1 से 2 बोला गया ना डियर स्टूडेंट, तो 1 से 2 को आपको कवर करना है, 3 से 5 तो 3 से 5 पे जो हम बनाएंगे अपना हिस्टोग्राम, ये 3 से 5 के बीच ही जाना चाहिए, 4 पे आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ 10 से 15 था ना, तो 10 से हमने स्टार्ट किया, 3 था फ्रीक्वेंसी, तो 3 कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, तो 3 देख लो जहाँ पे भी आ रहा है, मेरा ग्राफ ऊपर नीचे भी हो सकता है, आप लोग प्रॉपर ग्राफ में बनाइएगा, ठीक है, ओके। तो देखो 3 का वैल्यू यहाँ थोड़ा सा ऊपर बनेगा, चलो मैं कर ही देती हूँ करेक्शंस, ओके, ठीक है। तो 3 का एक मिनट, 10 to 15 2 है, सॉरी मैंने सही बनाए थे पहले, ठीक है, सही है, ओके। तो आपको इस तरह से करना है, 10 से 15 बोला तो 10 से 15 तक करोगे, फिर 15 से 17 तक करोगे, ओके, क्लियर है ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हैंडर सर नेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। इसका मतलब ये हो गया कि एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सर नेम्स रैंडमली पिक्ड किया गया, ओके, एंड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सर नेम वॉज फाउंड एज फॉलोज। और उनमें इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त किया गया, ओके। तो हमें जो है डाटा ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, नंबर्स ऑफ लेटर 1 to 4, नंबर ऑफ सरनेम्स कितने निकले 6, 4 to 6 में 30, 6 to 8 में 44, 8 to 12 में 16 एंड 12 to 20 में 4, ओके। फर्स्ट है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, एंड सेकेंड है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सरनेम लाए, मतलब हमें वह बताना, मतलब मैक्सिमम नंबर बताने हैं जिसमें नहीं क्लास इंटरवल, वो क्लास इंटरवल बताना है जिसमें मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम है, ओके। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, ओके। तो हम लोगों को गिवन इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है, तो हमें विद ऑफ द क्लास और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए नंबर्स ऑफ लेटर्स है 1 से 2 4, फ्रीक्वेंसी इसका 6 है, 4 to 6 के बीच जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 30,
एंड 6 टू 8 के बीच फ्रीक्वेंसी 44, 8 टू 12 16, 12 से 20 के बीच फ्रीक्वेंसी जो है वो है 4 गिवन है। विद ऑफ द क्लास कैसे निकालते हैं, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ कि 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 12 माइनस 8 4 एंड 20 माइनस 12 8। ठीक है, अब देखिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसे एडजस्ट फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी इंटू लोवेस्ट विथ अपॉन में विथ। अब देखिए आपका लोवेस्ट विथ क्या है, 2 है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है ना इसमें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है 6, तो 6 इंटू 2 अपॉन में 3, क्योंकि इसका विथ ऑफ द क्लास कितना है 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ओके ठीक है, नेक्स्ट का देखिए, नेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 गिवन है, तो 30 इंटू 2 अपॉन में 2, 2 से 15 टू जा, या 2 टू डायरेक्ट भी कट हो सकता था, तो आंसर्स आपके 30 आ जाएंगे। अब आप देखो 44 और विथ ऑफ द क्लास 2 दिया, तो 44 लोएस्ट विथ कितना है 2 अपॉन में 2, तो कितने आ जाएंगे 44। इसमें फ्रीक्वेंसी 16 की बन है, 16 इंटू 2 अपॉन में 4, क्योंकि विथ ऑफ द क्लास 4 की बन है, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो आंसर्स कितने आ जाएंगे 8। नेक्स्ट देखिए एंड लास्ट है, ये फ्रीक्वेंसी 4 है, लोएस्ट विथ 2 है अपॉन में 8, 2 4 जा और 4 से 4 कैंसिल, आंसर्स हमारे पास 1 आ चुका। तो हम लोग ने अपना जो भी हमें बनाना था हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था, उसके लिए हम लोगों ने अपना जो डाटा चाहिए हम लोग बना चुके हैं, अब हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग ने डाटा रेडी कर लिया था जो हमें हिस्टोग्राम के लिए चाहिए था। ठीक है, तो देखिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको नंबर्स ऑफ लेटर्स और एडजस्ट फ्रीक्वेंसी यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ओके लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको देखना होता है, उसके थ्रू ही आपको बनाना। जैसे नंबर्स ऑफ लेटर 1 टू 4 है, तो 1 टू 4 यहाँ तक आपको कवर करना है, और इसकी क्या था 4 था फ्रीक्वेंसी, तो 5 से नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो एज ग्रुप है 4 टू 6, नंबर ऑफ लेटर्स 4 टू 6, फ्रीक्वेंसी सॉरी जो हमारे पास एडजस्ट फ्रीक्वेंसी आया था वो था 30। ओके, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए 30 के पास और ये 6 पे कवर कीजिए, फिर 6 टू 8 यानी यहाँ से यहाँ तक की बात की जा रही है, इसका जो आपका एडजस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 44। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 टू 12, 8 तो 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 8 से 12 को कवर करना और 12 से 20 तक 1। ठीक है, तो ये आपका हिस्टोग्राम ड्रॉ हो चुका है। एंड सेकेंड पार्ट में बोला गया था कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सरनेम लाइक, मतलब ऐसे कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें सबसे ज़्यादा सरनेम लाई कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, 6 टू 8 में दिख रहा है ना, 6 टू 8 में सबसे ज़्यादा, तो आप क्या लिखोगे आंसर, इन क्लास इंटरवल 6 टू 8 मैक्सिमम सरनेम लाई। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है, मतलब 14.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही जल्द 14.4 के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।